और ये स्वीप शॉट के जाने माने बैट्समैन है, बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं गोपाल जी, जिसे हम जाड़ू शॉट भी कहते हैं। ये गिनी चुनी सुबह की तीन टीमें साथ में घूम रही है और दोनों ओवर हो गई है। ललित नेक्स्ट ओवर के साथ ऐसा लग रहा है। ललित जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार नेक्स्ट ओवर के साथ, अपने छोटे छोटे कदमों से। अगली गेंद ललित की, सामना करेंगे गोपाल और ये पैरों के बीच में से निकलती हुई, बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे फील्डर, बॉलर है ललित। ललित की गेंद पेस के साथ आती है, अगली बॉल के साथ ललित छोटे छोटे कदमों से, पैड अप और हेलमेट पहन के तैयार पीछे बैट्समैन। फिर से निकाला स्वीप शॉट, हीरालाल स्ट्राइक पर ललित अगली बॉल के साथ, कदमों का इस्तेमाल लेकिन बीट हुए और मुरली जी कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही अच्छा शॉट हीरा भाई की तरफ से, ललित अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक। ये रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, कैप्टन कूल गोपाल जी। आखिरी बॉल के साथ ललित, स्लोर वन, दो रन पूरे किए, ओवर की समाप्ति इसी के साथ। स्कोर हुआ 42 रन, 5 ओवर, ड्रिंक ब्रेक। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन। मारा गाना जोरदार है।
पप्सा की कुछ मांगे है ग्राउंड पर, लेकिन वो आज तो नहीं होगा, कल महेंद्र हमारे बीच अपने महेंद्र जी कौन सी टीम है, कुंभा वॉरियर बालू जी पालवीर जांगीर प्रभु जी सुरेश जी बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर आज नहीं चले, हम भी नहीं चले लेकिन हम जीते तो है। अब लंबी लंबी डांडियां दिखानी होगी अरावली रेंजर्स को। हीरालाल बिल्कुल सेट होके खेल रहे और हमारे लेजेंड्स प्लेयर हेलो हेलो चेतन चेतन और मनन बॉलर नेम देवीलाल हेलो हेलो देवीलाल देवील देवीलाल हेलो 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 स्ट्राइक पर हीरालाल और पेवेलियन में चेतन और मनन जी दोनों आगे की रणनीति बनाते हुए तैयार हो रहे हैं अगली बैटिंग के लिए। हल्के हाथों से ऑफ साइड की ओर दो रन की कोशिश, रन आउट का चांस, बाल बाल बचे और डाई लगा के अपने आप को सेव किया। हेलो हेलो काफी धुआंधार बैटिंग करते हैं ये बैट्समैन। गोपाल जी स्वीप शॉट के लिए जाने जाते हैं, झाड़ू शॉट कुमार दिया है चार रन की तरफ, चार रन मौके पे चौका, ये लगा वीके होम्स का मौके पे चौका। हेलो 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 व्हाइट का इशारा, व्हाइट गेंद झाड़ू शॉट मारते ही है, एकदम लपक के लेते हैं गेंद को। वापस ओ क्या शॉट है ये, वन बाउंस चौका, बहुत अच्छी बैटिंग, मौके पे चौका, ये लगा वीके होम्स का मौके पे जो काम रोहित ने नहीं किया वो गोपाल जी कर रहे हैं। टीम के 50 रन पूरे होते हुए अरावली रेंजर्स दो कड़क शॉट खेले और दोनों में फोर, अगर अरावली रेंजर्स को ये मैच जीतना है तो कम से कम उनको 90 से 100 रन का टारगेट देना पड़ेगा और इतने स्कोर के लिए मनन चाहिए ही चाहिए। और इतना आपको स्कोर करना है तो चेतन और मनन दोनों में से किसी अगले बैट्समैन धुआंधार बैट्समैन को भेजना पड़ेगा, तो 90 के ऊपर स्कोर जाने की कोई संभावना है।
बोले नहीं थी आउट बोल स्वीप शॉट की कोशिश लेकिन अभी मनन मनन अच्छा मनन जी नहीं आए नेक्स्ट बैट्समैन नारायण जी नहीं मनन नहीं आएंगे नारायण जी आएंगे वो खाली एक ओवर के लिए है लास्ट ओवर मनन भाई खेलेंगे उनको बचा के रखा है पीछे से आके मारेंगे वो लास्ट ओवर में 6 बॉल में 6 सिक्स नए बैट्समैन नारायण जी तीन चेतन मारेंगे तीन मनन मारेंगे पासा पे ना जाए अगला मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है पद्मावत पैंथर वर्सेस चिमन जी कौन है पुष्कर पायलट्स रिटायरमेंट की भी बात हो रही है यहाँ पे दो लेजेंड प्लेयर है हमारे इस साल के बाद लेंगे चिमन भाई ओवर बोल्ड आउट इस ओवर में मनन ये फैंस पागल हो रहे हैं मनन के लिए गुरुदेव चमक रहे हैं बॉलिंग पे आ गए अभी आधी टीम पवेलियन जा चुकी है 52 पर 5 विकेट 6 ओवर की समाप्ति पर न्यू बैट्समैन त्रिलोक फटाफट पहुंचो यार थोड़ा अर्जेंट है ठीक है अरे मौके के में वो आर्किटेक्ट इतना फोन कर रहा है मुकेश मार रही इतनी भारी भारी हो मेरन मार्वल के स्टार प्लेयर अजय हीरालाल कब से सेट होके खेल रहे चार ओवर बाकी है अगर स्कोर कार्ड को लंबा ले जाना है तो अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी दोनों बैट्समैन को 50% हीरालाल स्ट्राइक पर ओवर ललित लेके आए हुए हैं ललित के हाथों में ललित काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं ललित जी राजू इधर इधर घूम रहे कुपिया करके बैठ जाइए त्रिलोक व्हाइट व्हाइट गेंद व्हाइट गेंद लाइन लेंथ से चुके आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है बड़ा शॉट गैप में और 4 रनों के लिए मौके पे चौका ये लगा वीके होम्स का मौके पे चौका और दर्शक चाहते हैं मनन भाई एक ओवर जरूर खेले अगर नहीं खेले तो काफी नाराज होके जाएंगे इधर से तो मनन भाई को एक ओवर मिलना ही चाहिए दर्शक काफी निराश हो जाएंगे अगर उनकी बैटिंग देखने को नहीं मिली क्योंकि मार्केट में हवा चलती है कि मनन भाई बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं हेलीकॉप्टर शॉट खेला ये और ये अपड़ा पपड़ी होने वाली थी अभी हेलो 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 अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हीरालाल टीम को आगे लेके जाते हुए स्कोर के साथ भी आउट नेक्स्ट चेतन अच्छा हरिओम जाए हरिओम नेक्स्ट बैट्समैन हरिओम सुथार काफी रोमांचक होने वाला है पद्मावत पैंथर वर्सेस पुष्कर पायलट्स स्ट्राइक पर हरिओम माना कहीं और जाते थे लेकिन बॉल गई कहीं और रन आउट का चांस डायरेक्ट हिट काफी अच्छी फील्डिंग अच्छी गेंदबाजी करते हुए ललित बड़े बड़े हिट लगाने होंगे अगर स्कोर कार्ड लंबा चाहिए तो
और बड़े हिट चाहिए तो ये काम सिर्फ दो ही प्लेयर कर सकते हैं अभी, मनन जांगीर, चेतन जांगीर। अगर आपको लंबा स्कोर चाहिए तो अगला बैट्समैन मनन भाई को भेजना ही पड़ेगा। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, ग्राउंड शॉट, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, दो की मांग, दो की मांग है और पूरा करेंगे आसानी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगला मैच पुष्कर पायलट वर्सेज पद्मावत पैंथर, इसके बाद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ओह, एक हाथ से चार रन, मौके पे चौका, ये लगा वीके होम्स का मौके पे चौका। बैट्समैन इशारा करते हुए बॉल मनन भाई के पास भेजिए, अगला विकेट जाए तो मनन भाई को भेजिए। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हरिओम, अभी बड़े रन के लिए मनन भाई की टीम को जरूरत है। हार्ड हिटर उनका दूसरा नाम है। त्रिलोक जी स्ट्राइक पर, अगला ओवर, प्रमोद बॉलर है तो हाथ कीजिए खड़ा। प्रमोद नहीं है, बॉलर नेम, बॉलर नेम ओके ओके, बॉलर नेम प्रमोद जांगीड। और सोनू जी भी ओवर फेंक सकते हैं, फैंस की मांग है। अच्छा शॉट गैप में किशन जी, काफी अच्छी बिल्डिंग दोनों बोल बैट्समैन की। गुरु वर्सेज चेला, एलागा कमेंटेटर डापा से पढ़ते हुए। अगली गेंद, और ये सोनू जी की हाथ से, ललित के पीछे हाथ से फील्डिंग, दो रन की कोशिश और आउट, और रन आउट। अब मनन के आने की तैयारी, मनन नहीं अभी भावेश जाएंगे। मनन लास्ट में आएंगे, दो बॉल बचे होंगे तब। न्यू बैट्समैन नेम पावेश, भावेश सुथार, सात विकेट गिर चुकी है। एक ही रन, अच्छे गेंदबाजी करते हुए हरिओम स्ट्राइक पर, बड़े शॉट की कोशिश, दो रन नहीं, एक ही रन से संतुष्ट। फुल टॉस, गुरुदेव सीजोमती, और ये चार रन, मौके पे चौका, ये लगा वीके होम्स का मौके पे चौका, वाइड प्लस चार रन।
वाइड नहीं है, स्क्रीन वाला अलग ना ना, वो यूट्यूब वाला अलग। हां आज आज तो 500 रुपया ना वहां पर एकलो एकलो आते करे छे। अरे पोमणा किशन जी, और ये बहुत ही अच्छा शॉट। ओहो हरिओम हरिओम, मौके पे चक्का। ये लगा वीके होम्स का मौके पे चौका। स्कोर हुआ है 78 रन पे 7 विकेट। दर्शक दीवाने हो रहे हैं। मनन जी ने बैट हाथ में ले लिया है और ये पुलटॉस पीछे देवीलाल, और ये कैच बहुत शानदार और बहुत ही आसानी से कैच पकड़ा है। और ये मनन जी आते हुए मनन जी, और ये मनन आ गए। ये सभी दर्शक उत्साह दिखाए अपना। ये सालों साल बाद मौका आता है, जैसे फरवरी 4 साल बाद 28 दिनों 29 दिनों की होती है। हाडू जीजा जी हाड़ा जी दोई हमें मानन मानन। पावड़ा ध्यान रखियो मनन। ओ छक्के की कोशिश थी पूरी, ये लगभग 6 ही था लेकिन चूके। अब चेतन जी ने बैट हाथ में लिया है। अरे अंपायर ने कहीं कौम थी वे नहीं समझा बड़ी में। अरे वे मनन जो शॉट खेला था उसमें स्टंप के बीच में से बॉल गई है। मनन नसीब लेके आए हैं अपना, दूर रही जो बैट रीड हो खेला सोनू जी। अगलो ओवर सोनू जी का रही। सब सोनू जी तैयार हाथ फेर इन। और ये वापिस बीट किया है मनन को। एक बाटिया पे आयो नहीं बॉल कटन कटे जाए। ओ बैट को लगी, आवाज आई है, आवाज आई बिल्कुल। और पहला रन करियर का। दर्शक पीछे से खाने की प्लेटों के साथ आ गए हैं ग्राउंड में देखने के लिए मनन की बैटिंग। दर्शक दीवाने, भावेश भी उन्हीं तरीके के लीजेंड प्लेयर है। ओहो हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट और मनन भी स्ट्राइक पे आ गए हैं। ओवर हो गई है, शिट मनन की स्ट्राइक चली गई। अगला ओवर सोनू जी लेके आ रहे हैं। मनन को प्लेइंग 11 में देख के कैमरे दो और एक्स्ट्रा करवाए थे हमने कि कोई भी शॉट चुके नहीं, बारीकी से देखा जाएगा, बारीकी से उनकी बैटिंग पे निगाह रखी जाएगी। नए बल्लेबाज है टूर्नामेंट के। और ये अगली ओवर लेके आए हैं बॉलर नेम, बॉलर नेम प्रमोद 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 ओके। और ये वाइड गेंद बहुत ही सूझबूझ के साथ भावेश ने बॉल छोड़ी है। ये अगले अगले बल्लेबाज भी हेलमेट और ग्लव्स पहन के तैयार है, चेतन। और ये मनन फिर स्ट्राइक पे आ गए हैं। दर्शक दीवाने मनन जी, अगली टीम के अगली मैच के कप्तान टीम पद्मावत पैंथर और पुष्कर पायलट्स के कप्तान टॉस पॉइंट पे आ जाएं, टॉस कराना है।
और सिक्स के लिए ये खेलने जा रहे थे सर्कल के अंदर के फील्डरों को निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखे, बैट भी आ सकती है। खास खास करके सोनू जी ध्यान रखे। ओ फिर प्रमोद की गेंद का सामना करेंगे मनन। चौका करियर का और ये चार मौके पे और ये क्या दिन है। बहुत ही सूझबूझ से गैप में खेला। ताली और ये पीछे गैप में खेला हुआ शॉट, पीछे फील्डर मौजूद और ये मनन स्ट्राइक पे दौड़ रहे, आ रहे आ रहे आ रहे आ गए। काफी थक गए हैं मनन जी। आपको कोई ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक या कोई मसाज? प्रमोद की अगली गेंद सामना करेंगे मनन और ये कहां गई वो बहुत शानदार बैटिंग का प्रदर्शन। ओवर हो गई है मनन जी, आ जाइए। बहुत अच्छी बैटिंग की है मनन, आपसे बहुत ही अच्छी उम्मीद थी हमने और आप खरे उतरे उस उम्मीद पे। अभी चेतन भी पीछे में आ गए, क्या सोच रहे थे और क्या देखने को मिला है हमें। और अभी तो एक बैट्समैन रह गए, अगर वो होते तो लगभग स्कोर 120 प्लस था, लेकिन रोक के रखा था मनन को। दो 100 रन की 100 की स्ट्राइक रेट से खेले मनन। मनन काफी तैयार जुस्से में, लगता है पहली ओवर डालेंगे। ये लंच ब्रेक है, अंपायर लंच करने के लिए जा रहे हैं, तो फील्डर आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। मनन छाती चौड़ी करके ग्राउंड के बीच में दूर रहिए, क्या सब उनसे मार देंगे किसे? एम्पायर खाना खाने के लिए गए। हेलो हेलो हेलो, टॉस पॉइंट पे जो अगली मैच है दोनों टीम के कप्तान आ जाए, पद्मावत पैंथर्स और पुष्कर पायलट्स के दोनों टीम के कप्तान टॉस पॉइंट पे पहुंच जाए। प्रकाश भाई वणई से टॉस करवाने के लिए टॉस पॉइंट पहुंच जाए। प्रकाश भाई पद्मावत पैंथर्स के कैप्टन चिमन भाई आप टॉस पॉइंट पे पहुंच जाइए। फोटोग्राफर यहाँ आ जाइए। टॉस होने जा रहा है पद्मावत पैंथर्स और पुष्कर पायलट के बीच में। कर लो टॉस, कर लो पछि फोटो ले ले। चिमन भाई ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है।
और पुष्कर पायलट टीम का फील्डिंग आई है। मनन मनन चारों तरफ छाए हुए हैं। एक बार प्लीज स्टेज के पास आए मनन। मनन स्टेज के पास आके अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाए। दर्शकों को एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं आप मनन? आइए आइए, नहीं बिल्कुल आना पड़ेगा आपको। एक ऑटोग्राफ मनन, एक ऑटोग्राफ जो चलता ही नहीं है कहीं। और चेतन आप भी आइए। लगता है चेतन ओपनिंग बॉलिंग लेंगे। राकेश जी हमारे बीच, मैं नाम सुन रहा हूं उनका लेकिन अभी तक देखा नहीं है। ये रहे बिल्कुल हमारे पीछे। भावेश हमारे बीच। मनन अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मनन, तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए, आप थोड़ी छाती अंदर कर लीजिए और इधर आइए हमारे पास। तू तो बढ़िया खेला यार, मैं भूल ही गयो थारो मन मैं वरना हम जो भावेश तू तो ओवर पहली ओवर तो ही ना। कमेंट्री बॉक्स में मनन मौजूद है, प्लीज बॉडीगार्ड्स भेज दे रहे। मनन जी आपको कैसा लग रहा है? मनन आपसे दो शब्द लेंगे, अभी बाकी अंपायर नहीं आए हैं तब तक आपका इंटरव्यू चालू रख सकते हैं हम। मनन सिर्फ दो शब्द। मनन बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे। 1-5 मनन 1-5। मनन बिल्कुल भी जमीन पे नहीं देख रहे। मनन की नजर ऊंची ऊंचाइयों पे छू रहे हैं। मनन स्टारिश मेकिंग। मनन डायमंड कमिंग सून। कानू कानू ग्राउंड में, कानू भाविन कन्हैया देवकी नंदन सीके सांवरिया गोपाल हजार गोपाल कृष्णा वासुदेव मुरलीधरन सीके साहब कानू ठाकुर जी द्वारिकाधीश आपकी जय हो। दर्शकों से और खिलाड़ियों से और जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है सबसे निवेदन है कि हमने एक बूथ लगा रखा है यहाँ पे डोनेट स्माइल, मतलब आप कुछ एक छोटी मदद से किसी की खुशी ला सकते हैं। तो आपके पास जो भी बचे हुए कपड़े हो जो नहीं यूज में आ रहे हैं,
जूते या कोई भी आपके इस्तेमाल में चीज़ें नहीं आ रही हो, दवाइयाँ, जूते, कपड़े, कुछ भी, तो वो हमें यहाँ ग्राउंड पे ये बूथ पे जमा करवाइए, हम इनको ड्राई क्लीन करा के ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएंगे। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही हो तो कल कृपया जो भी खिलाड़ी है या दर्शक है आए अपने घर में, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं बहनों की, भाइयों की, जो भी चीज़ें हैं वो लेके आइए, हमें जमा करवाइए, हमारी थोड़ी सी मदद की मदद से किसी की खुशियाँ मिल सकती है, तो कृपया करके एक छोटी सी आप मदद कीजिए। बहुत ही अच्छी बात कही नीलेश, बहुत ही अच्छी बात कही नीलेश जी ने, हमारी छोटे से प्रयास से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। कृपया जिन जिन लोगों के पास ऐसे कोई भी कपड़े, शूज, जो भी है वो हमें यहाँ डोनेट करिए। हम ग्राउंड की निगरानी के लिए जा रहे हैं मनन से मिलने, कैमरामैन और सब आ जाइए मनन के दो शब्द लेने के लिए। मन की बात मनन के साथ। अंपायर थोड़ा जल्दी करे खाना खाने में। मनन हमारे साथ, मनन अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो कैमरा इस तरफ कीजिए, मनन की तरफ। मनन आपने जो बहुत ही शानदार शॉट लगाया वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया। आपके पास से हम सिग्नेचर और ऑटोग्राफ लेने आए तब आप दे नहीं रहे थे, भाव खा रहे थे आप, तो ऐसा क्यों? पहली बार ही तो दो चौके मारे आपने, आगे बहुत मारोगे, लेकिन थोड़ा भाव दीजिए हमें। आप दर्शकों को हमने पकड़ के रखा था, बाकी आपको उठा के ले जाते। दर्शकों की खुशी का राज आप ही हो। इसके बाद अगली मैच है पुष्कर पायलट्स वर्सेस पद्मावत पैंथर्स। सभी खिलाड़ी रेडी रहे। मनन से कुछ सुझाव और कुछ चर्चा करेंगे। मनन जी, आप अगर नए जो उठते सितारे हैं, जो सितारे आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए दो शब्द, आप क्या राय है, आपकी क्या राय है कि ग्राउंड में जब आए तो किन चीज़ों पे ध्यान देवे और किस तरीके से आपके जैसे शॉट खेले? बस कुछ नहीं, खाली उनको बॉल देखनी है और मारना है। क्या बात है, क्या बात। हर बैट्समैन बॉल देख के ही मारता है, लेकिन कुछ आपके पास अलग तरीका हो तो बताइए। बस जो आपने देखा वो चमत्कार। हेलो, ये तो कुदरत का कमाल है। वाह 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 वाह, तालियां हो जाए एक बार मनन के लिए। वाह वाह मनन जी, बॉलिंग भी फेंक सकते हैं। हमारे बीच सुरेश जी, कैमरा उनकी तरफ ले।
अरे मारती रे नहीं है साबी सुबह मारती रे नहीं है तमें बीजा बीजा कौन बीजा ये नहीं था दूसरों को डालो
ये मैच को जल्दी से जल्दी शुरू करवाए और इसके बाद दो मैच अपने को कंप्लीट करनी है, तो कृपया करके जल्दी से शुरू करवाएं। राकेश जी आपसे निवेदन है कि ग्राउंड के अंदर जो फील्डर बैठे हैं उनको बाहर निकाले। एक एक्स्ट्रा फील्डर भी बैठा है, फील्डर को बाहर निकालिए, इन फील्डर को बाहर निकालिए। मनन धन्यवाद। और मनन बात छूट गई थी, शुरू करते हैं मनन पे। बैटिंग टीम का एक्स्ट्रा जो भी प्लेयर हो वो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी से जल्दी यहाँ आए। जेठा भाई एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में जल्दी। रोहित पहली ओवर रोहित लेके आए हैं, सामना करेंगे ललित। और ये बहुत ही शानदार ग्राउंड शॉट हल्के हाथों से खेला और एक रन लिया है। हमारे बीच बेनेटो फर्नीचर से जगदीश जी पधारे हैं, जहांगीर मेवा युवा संघ आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। और अगली गेंद सामना करेंगे देवीलाल। और ये बाहर की बॉल गैप में खेलना चाहते थे और मिस फील्ड हुई है यहाँ हरिओम से, पीछे फील्डर मौजूद है। ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग भावेश के द्वारा और दो रन आसानी से पूरे किए। ललित तीसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन देवीलाल ने उनको मना किया। लेकिन दो